हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारी फिजियोलॉजी भी और एनाटॉमी दोनों कवर हो जाएंगे, और ये हमारे आगे बहुत से पैथोलॉजी के जो बहुत से टॉपिक्स हैं स्पेशल पैथोलॉजी के, उनको कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में जो है ना एक पूरा इंसाइट नॉलेज हो कि एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या हैं, उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, और वो कौन कौन से हैं, और उस किस किस बेसिस पे उनके क्या क्या नाम है, और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पढ़ना आपने इसको अपनी बुक से है जो कि रॉस एंड विल्सन है। यहाँ पे पिक्चर्स हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बुक बहुत वास्ट है, मगर यहाँ से सिर्फ पढ़ने का मतलब ये है कि आप इसको अच्छे तरीके से कर सकें। इसके बारे में मैं एक गूगल शीट क्रिएट कर दूंगा जिसके अंदर एपिथीलियम, उसके पॉसिबल जो साइट्स हैं, और उसकी क्या एक डिस्क्रिप्शन जिसके ऊपर एक एग्जामिनर क्वेश्चन आपको कर सकता है, इवेलुएट कर सकता है। मैं शीट बना दूंगा जो को आपको बहुत जल्द गूगल पे अवेलेबल होगी। आप उसको वहाँ जाके जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो भी मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा ताकि अपने आप को आप इवेलुएट कर सकें। सो एपिथीलियम जो है या एपिथीलियल टिश्यू जो है, ये एक सेल्स होते हैं, एक शीट कह सकते हैं, एक लेयर कह सकते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती है। आपने दीवार बनाई है तो आपने ऑब्वियसली ईंटें हैं ना, वो उसका यूनिट है। तो इस तरह जो भी एपिथीलियल सेल है या एपिथीलियम, उसका एक यूनिट होगा जो बाकी पूरे एक जो भी मतलब एक दीवार बन रही है ना, तो उसके अंदर अगर एक यूनिट ईंट है तो बाकी सारे भी ईंटें होंगी ना, उसी जैसा स्ट्रक्चर, उसी जैसी फॉर्म। एक ईंट ख़राब है तो बाकी सारी दीवार के अंदर वो फ्लक्चुअलिटी ले आती है। तो सेल भी जो है ना दरअसल वो बहुत ज़्यादा आपस पे सिमिलर होते हैं। अगर एक टाइप ऑफ सेल है तो वो आपस में जितनी उनकी शीट्स क्रिएटेड होंगे एक जैसे होंगे, उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होगी, सेल जंक्शंस होंगे। अब उनके फंक्शन क्या हो सकते हैं कि सिलेक्टिव बैरियर्स हैं, ये आप नोट कर, सिलेक्टिव बैरियर्स हैं, सिक्रीटरी सर्विसेज होती हैं, प्रोटेक्टिव सर्विसेज होती हैं, इनके ये काम हैं। अगर हम एक टिपिकल सेल की बात करें तो वो इस तरह का होता है, मतलब कि सबसे अगर नीचे हम देखें तो कनेक्टिव टिश्यू होगा जिसके अंदर जो क्या होगा वेस्कुलर होगा, ऊपर उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। जब हम MLT में जो बच्चे होते हैं, जब हम उनकी हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ते हैं जो कि मतलब स्टडी है टिश्यूज़ की अंडर माइक्रोस्कोप, तो उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन की स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं, मतलब जैसे नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम्स हैं या नेफ्रोटिक डिजीज़ हैं उनके अंदर कुछ ऐसी डिजीज जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिन हो जाती है, तो उसके अंदर ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है बेजल लैमिला और रेटिकुलर लैमिना, इसकी हम कलरिंग करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए ना ऑब्वियसली फिर उसके अंदर क्या ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि उसके अंदर डिक्रीज हो जाएंगे ताकि हम उस डिजीज़ की बेटर मैनेजमेंट कर सकें, उसके बारे में इनसाइट नॉलेज हो हमें। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू होता है, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि वेस्कुलर होता है, जिसके अंदर नर्वेशन वेस्कुलर होता है, उसके उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर जिसको हम एपिथीलियम कहते हैं। फिर एक एपिकल सर्फिस होती है जो कि सर की तरफ है, और उसकी एक लेटरल सर्फेस होती है जो उसको दूसरे सेल से डिफ्रेंशिएट कर रही होती है, और एक उसकी बेजल सर्फेस होती है जो उसको डिफ्रेंशिएट कर रही है उसकी सर्फेस से। जैसे अब मतलब आप घर बैठे हो ना, आप चेयर के आपने मार्क पॉइंट्स देखने, तो आप कहेंगे कि उसका हिस्सा जो फर्श सा लगा है, उसका हिस्सा जो आपके साथ लगा है, किसका हिस्सा जो दूसरी चेयर के साथ लगा है। तो मार्क पॉइंट्स होते हैं जो आपने अपनी ईज के लिए आपने अपने इसको यूज़ करने होते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब हमारे पास जो कवरिंग है उसमें मतलब डिफरेंट हो सकता है, अरेंजमेंट ऑफ सेल जो है ना डिफरेंट हो सकता है। सिंपल एपिथीलियम है, उसके अलावा हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड है, और स्ट्रेटिफाइड के मतलब तीन तरह की हमारे क्लासिफिकेशन होती है इसकी। उसके अलावा सेल शेप्स की बेसिस पे जो है ना इनको डिफरेंशिएट किया गया, जैसे स्क्वेमस सेल हैं, क्यूबॉइडल सेल्स हैं, कलमनर सेल्स हैं, ट्रांजिशनल सेल्स हैं, इन सब के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ये उनकी कुछ पिक्चर्स हैं जो अरेंजमेंट ऑफ लेयर की बेसिस से सिंपल है। सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब है जो अपनी तरफ से तो स्ट्रेट खड़ी हैं कॉलम्स की शक्ल में, मगर वो सूडो है, मतलब कहीं से पिचकी हैं, कहीं से ब्रॉड हैं, कहीं से ऐसे है। और स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये है कि वो उस ग्लोबुलर फॉर्म्स में है, ठीक है। और सेल शेप के स्क्वेमस हैं, क्यूबॉइडल हैं, कलमनर हैं, इसकी बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया है। पर घबराना नहीं, आपने बड़ी आसान से और बड़े मज़ेदार चीज़। अब जो दो तरह के स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की एक ही है, उसके आगे और कोई सब टाइप नहीं है। हम बात करें सिंपल एपिथीलियम तो उसके अंदर आती है सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, सिंपल कलमनर एपिथीलियम, और सूडो स्ट्रेटिफाइड या सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथीलियम, ठीक है। अब जो सिंपल कलमनर एपिथीलियम वो नॉन सिलेटेड होती है, ये भी नॉन सिलेटेड होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथीलियम। और जो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड के बारे में आप अपने जहन में एक ये चीज़ रखें कि दो लेयर्स जो है ना जब आपस में कन्वर्ट होती है ना, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। और सिंपल एपिथीलियम होती है एक ही जॉनरा की जो है ना सेल्स हैं जो मिलके कोई एक जगह पे जो है ना उन्होंने कोई घर बनाया हुआ है। तो सिंपल सिंपल जो एपिथीलियम, वो मतलब ये है कि एक ही जगह पे उनका घर है, और जो
स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है, इसका मतलब ये है कि दो सेल लाइंस है, मतलब दो तरह के एपिथीलियम जिन्होंने मिलके एक जगह पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कलेक्टिवली, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कलमनर और ट्रांजिशनल है वही, मतलब कलमनर जो सिंपल है उसके साथ एक और लेयर मिल जाएगी तो स्ट्रेटिफाइड बन जाएगी। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इनको हम इनकी बेस डायग्राम की बेसिस पे जो है ना इनको हम देखेंगे कि स्क्वैमस एपिथीलियम कौन सी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल कौन सी होती है और ये कैसे होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो का ज़रा लिंक ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली जो जो मतलब फोकस पॉइंट है वो टोटल लग पड़ता है, तो अगली वीडियो में बात करते हैं।